हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह की हो गई है शुरुआत, तो आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हमारी सब्जी की कटाई वगैरह चल रही है, तो मैं काट रही थी काशीफल और ये यहाँ पे खड़े थे, तो मैं देख रही थी इनको कि क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत देर हो गए थे खड़े खड़े, तो ये कुछ ना कुछ, जब सुबह के टाइम होता है तो ये कुछ ना कुछ काम करने के लिए किचन में आ ही जाते हैं। और इन्हें बड़ा शौक़ है किचन में काम करने का, तो मैं भी देखने के लिए आई थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये तरबूजा छील रहे थे, तो मैंने चुपके से शूट कर लिया। तो बोल रहे थे क्या कर रही हो, मैं कुछ नहीं, खड़ी हुई देख रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने चुपचाप काट रहे हैं तरबूजा, और मैं काट रही हूँ काशीफल की सब्जी बनाने के लिए काशीफल। और बाहर हो रहा है मौसम बारिश वाला, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम काली घटा हो गई है। और सुबह सुबह का टाइम है ये, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और दिखाऊं आप लोगों को, ऐसा तो धूप दिखाई दे रही है लेकिन वैसे घटा हो रही है, बादल छाए हुए हैं ऊपर को, लेकिन रोशनी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो चलिए, वो तो अपना तरबूजा काट रहे हैं, हम अपना काशीफल काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बना रहे हैं सब्जी। मैंने अभी काशीफल काट के रखा है, इसको अभी बना रहे हैं सब्जी। तो ये मेथी में छोंक रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे टिफिन वगैरह पैक करना है इस वजह से। तो चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं जब तक की सब्जी भी बना लेंगी। तो उनको तो मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया था वर्मा जी का, और फिर उसके बाद में अपने घर के और भी बहुत सारे काम करे। और गैस पे मैंने रख दी है मलाई निकाल के, तो उसको जमाना भी है अभी, क्योंकि फिर मलाई से मैं घी निकालती हूँ, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे मैंने स्प्राउट के लिए ये दाल को भीगने के लिए रखी थी, दाल और चना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की है, तो बस वही अब देख रही थी। तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गई है, तो ये एक रात मैंने भिगो के रखी थी, अब दूसरे दिन देख रही हूँ तो ये अच्छे से फूल गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी इजी मेथड से और स्प्राउट की तैयार करती हूँ, स्प्राउट तैयार करती हूँ। तो देखिए, ये है एक कपड़ा, चाहे आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, चाहे मलमल का कपड़ा ले लीजिए, चाहे कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए। तो आप अगर रुमाल भी ले सकते हैं तो रुमाल भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई बोली बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने, ये मेरे पास कपड़ा था तो मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया है, और ये है कपड़ा। और इस कपड़े में मैंने ये स्प्राउट जो भी बनाने थे, दाल जो मैंने, दाल और चना जो भिगो रखा था, वो दोनों चीज़ मैंने इसमें बांध दिया है। और देखिए, इसमें से पानी भी निकला था, तो इसीलिए मैंने ये प्लेट रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि पानी निकलेगा ही। और अब बस इसे अच्छे से गांठ बांध के, और यहाँ जो ये मेरा टैप लग रहा है, तो बस मैं इसी, जो किचन में टैप लगा रहता है, बस इसी के साइड से करके इसे बांध दूंगी, और बांध के इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें से अभी पानी टपकेगा तो पानी इसी के सिंक के अंदर जाता रहेगा, नहीं तो मैं कहीं और रखूंगी तो वहाँ पानी टपकता रहेगा, तो फिर उसके नीचे मुझे बाल्टी वगैरह लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर लगा देती हूँ इसे, और मैं इसी तरह से बांध भी देती हूँ, तो यहीं बांध देती हूँ ताकि इसका पानी निकलता भी रहेगा। और जब ये मुझे सूखे से लगेंगे तो मैं आऊँगी और इसमें पानी डाल जाऊँगी। तो इसी तरह से जैसे मैं बर्तन वॉश करूँगी तब पानी डाल जाऊँगी, हाथ वाथ वॉश करने के लिए तब पानी डाल जाऊँगी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसमें पानी डालना पड़ता है, ताकि जो हमारे स्प्राउट तैयार हों वो भीगते भी रहें और हमारे को दिक्कत भी ना हो, और काम करने में कोई दिक्कत की बात भी नहीं होती है। इतना सा काम तो हम चलते फिरते करते रहते हैं, और देखिए हमने पैसा तो एक भी खर्च नहीं किया है, क्योंकि ना तो हमने कपड़ा बाहर से ख़रीदा है और ना हमने स्प्राउट मेकर ख़रीदा है। तो पहले हमारे यहाँ पे इसी तरीके से स्प्राउट बनाए जाते थे, तो वही मैंने मेथड आप लोगों के साथ में
बताया है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, और ये मैंने बांध दिया है और देखना रात भर और रुका रहेगा तो इसमें स्प्राउट के जो वो किल्ले होते हैं जिन्हें अंकुरित कहते हैं वो फूट जाएंगे और हमारा तैयार हो जाएगा स्प्राउट। तो अब मैं आपको ये भी चीज़ दिखाऊंगी, जब निकल जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हाँ ये कितने दिन में निकल के तैयार हो गए हैं। इसके जो स्प्राउट जो निकल के तैयार होते हैं, जो इससे हम तो किल्ले ही बोलते हैं कि किल्ले फूट गए हैं इसमें से, और नहीं तो आप लोग अंकुरित भी बोल सकते हैं कि हाँ अंकुरित हो गए। तो हर जगह जगह की अपनी अपनी बातें होती हैं, और जो घर में रेगुलर बोला जाता है देखिए वही जवान पे बात रहती है। तो बस हम मैंने इसको तैयार कर दिया है और अब लग गई हूँ खाने पीने की तैयारी से। तो मेरे पास में दही नहीं था, ख़त्म हो गया था, और शानू को तो रहते बिना खाना नहीं होता है, तो बस इसीलिए मैंने बाज़ार का ही दही मंगाया है और मैंने घिया घिस लिया है। तो ये खीरा घिसने के बाद में अब मैं इसमें ये दही का रायता बना दूंगी ये शानू के लिए। और वही वाली बात मेरी पुरानी के दो बच्चे हैं लेकिन चॉइस दोनों की अलग अलग है, तो एक को चॉइस में चाहिए मीठा दही और एक को चाहिए तीखा दही। तो एक के लिए मैंने रायता बनाया है और एक के लिए मीठा दही निकालूंगी। तो मैंने फेंट तो एक ही बार ले रही हूँ दही को, और उसमें से फिर मैं अलग अलग कर लूँगी दोनों के लिए। तो एक के लिए कटोरी में निकाल दूँगी, उसको चीनी डाल के देना है, और एक के लिए रायता बनाना है। तो दोनों ही बच्चे अलग अलग खाना खाना पसंद करते हैं, एक को मीठा ज़्यादा पसंद है और एक को तीखा ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि एक के लिए क्या बनाऊँ और एक के लिए क्या बनाऊँ। तो लेकिन दोनों के लिए अलग ही अलग रोज़ बनाना होता है तो आदत में भी आ गई है अब तो। तो बस मैंने उसके लिए रायता तैयार कर लिया है और यशु के लिए दही निकाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने जो छोटी छोटी सी बास्केट में ये डिब्बियाँ रख रखी हैं ना, ये इसी की वजह से रख रखी है कि थोड़ा सा एक कटोरी रायता बनाना हो तो पूरी मसालदानी ना निकालनी पड़े, थोड़ा थोड़ा सा सामान इसमें से निकालो और फटाफट रायता बना दो। तो सुबह जब मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था तो वो तो ऑफिस निकल गए हैं, अपने काम पे निकल गए हैं खाना लेके, और अब मैं यहाँ पे बच्चों के लिए भी बना दे रही हूँ। तो ये आटा जो था परात में, मैंने ये से प्लास्टिक के कटोरे में पलट के रख लिया है, और पलटने के बाद में वो सारे बर्तन माँज के रख दिए हैं। और अब मैं बच्चों के लिए भी पराठी सेक दूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि दोनों को भूख लग रही है और दोनों ही हल्ला मचा रहे हैं कि मम्मी जल्दी से खाना बना के दे दो। तो बस फटाफट से खाना बना के दे देती हूँ। तो रायता मैंने तैयार ही कर दिया है और काशीफल की सब्जी वो सवेरे बना के ही गए थे। तो इसी तरह से हम अपना काम घर का निपटा लेते हैं, और देखिए सुबह अगर जल्दी जग जाओ ना तो बहुत जल्दी काम निबट जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में जैसे कि बताती हूँ कि मैं 5:30 बजे के टाइम पर उठती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे यशु का लंच भी बना के देना होता है और फिर उसके बाद में घर का भी काम करना होता है, और नीचे के भी काम बढ़ गया है मेरे लिए क्योंकि एक मंजिल नीचे की तैयार हो गई है तो वो भी काम बढ़ गया है। तो उसका भी मुझे झाड़ू पोछा करके आना पड़ता है, डस्टिंग वगैरह करके आना पड़ता है, बाहर दरवाजे के अभी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, सीढ़ियाँ धोती हूँ, तो इस काम में भी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो देखिए समय ही है तो इतना मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इसी वजह से अब वर्मा जी भी लग जाते हैं साथ में। तो जब तक मैं नीचे का घर का सारा काम निपटा के आती हूँ और आके नहाती हूँ तब तक वो सब्जी वगैरह छोंक देते हैं। जब उनकी सब्जी तैयार हो जाती है तो मेरा एक काम ये निबट जाता है कि सब्जी नहीं बनानी है मुझे, तो डायरेक्ट मैं फिर आटा लगाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। तो कुछ इसी तरह से मैं अपना रेगुलर वाला घर का काम करती हूँ, और यहाँ पर मेरा खाना तैयार हो ही गया है। तो अब मैं यशु की थाली लगा देती हूँ और शानू की भी थाली लगा देती हूँ, तो दोनों बच्चों को खाना खिला देती हूँ। और खाना खिलाने के बाद में आ गई मैं कमरे में, क्योंकि मैंने भी खाना खा लिया है और इनके साथ ही खाना खा लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं फिर अकेली रह जाती हूँ तो नहीं खा पाती हूँ खाना। तो खाना खाने के बाद में यशु बोल रहा था, मम्मी मेरी आज कलाई में दर्द हो रहा है, पट्टी बांध देना। तो हो जाता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलते कूदते हैं, क्या पता किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया हो, इसी वजह से कलाई में दर्द हो गया हो। तो बस यहाँ पे मैं उसके ट्यूब लगा दे रही हूँ, ओमनी जेल मैंने ट्यूब लगाई है, और ये काफ़ी अच्छी ट्यूब है, इससे जल्दी दर्द भी खिंच जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने वही लगा दी है, और लगाने के बाद में अब मैं इस पर पट्टी बांध दे रही हूँ ताकि इसकी जो भी दर्द वगैरह है वो खिंच जाएगा अच्छी तरह से।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो रोजीना पहुंच जाएगी। और बेल आइकन जो आता है उसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और आपको मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।